अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब सार। दोस्तों, नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान आर्मी सिविलियंस की जॉब्स के बारे में जो कि अनाउंस हुई हैं, जिसमें आप लोग मेज़ ऑफ फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में चार ऐड्स हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि कोई भी ऐड आपसे मिस ना हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जॉब सार सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेस पर जॉब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, डायरेक्टली चलते हैं वेबसाइट पर। आपने आ जाना है गूगल पे और यहाँ पर सर्च करना है slabview.com। ऐसे आपने सर्च करना है गूगल पे और इस पहले लिंक पे जहाँ पे स्लैब्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको नज़र आएगा लेटेस्ट पाक आर्मी सिविलियन जॉब्स, ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो पोस्ट है ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रीड कर सकते हैं और यहाँ पर चारों एड्स जो हैं ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने गौर से देखना है वीडियो को और इसको एंड तक देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे जो एडवर्टाइजमेंट है, ये पाकिस्तान आर्मी EME ब्रांच है रावलपिंडी में, यहाँ पे ये जॉब्स हैं, ठीक है। तो इसमें ये परमानेंट जॉब्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले है स्टेनोटाइप पे ग्रेड 14 पे, तो इसमें जो है पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। 18 से लेकर 30 साल तक एज लिमिट हो, इंटर क्वालिफिकेशन हो आपकी, FA, FSA, ICOM, DCOM, ISS और आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर स्टोरमैन है, इसकी 59 वैकेंसीज हैं ग्रेड 5 पे, इसमें मेट्रो क्वालिफिकेशन हो, कुक है और इसके अलावा यहाँ पे USM और पैकर और यहाँ पे डिफरेंट रेट्स की वैकेंसीज हैं। इन तमाम सीटों के लिए यहाँ पे प्राइमरी पास आपकी क्वालिफिकेशन हो, 18 से लेकर 30 साल तक एज लिमिट हो, ठीक है। USM की यहाँ पे 36 वैकेंसीज हैं और स्टोरमैन की यहाँ पे 59 है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट टाइपिस्ट के लिए तो पंजाब के किसी भी सिटी से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नीचे जितनी भी वैकेंसीज हैं इसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, हज़ारा, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इसके अलावा यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। इन तमाम जो यहाँ पे सिटीज़ मेंशन है, जो यहाँ पे डिवीजन्स मेंशन है, तो यहाँ से लोग अप्लाई कर सकते हैं। रावलपिंडी का मतलब सिटी नहीं है, रावलपिंडी का मतलब डिवीजन्स है। रावलपिंडी के अंदर 3-4 डिस्ट्रिक्ट और भी फॉल करते हैं, जैसे कि अटक है और इसके अलावा यहाँ पर जेहलम है और यहाँ और भी 2-4 इलाके हैं, ठीक है, जो रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर काम करते हैं। इसी तरह अटक है और इसके अलावा यहाँ पे आज़ाद कश्मीर डिवीज़न के अंदर जितने भी फॉल करते हैं, हज़ारा डिवीज़न के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो आपने सिंपली गूगल पे सर्च करना है हज़ारा डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ऐसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी कम्प्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी कि हज़ारा डिवीज़न के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट फॉल करते हैं। तो अगर आप वहाँ के डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे तो आपको यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने चेक करना है। तो जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होंगे जो हज़ारा डिवीज़न के अंदर काम करते होंगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो यहाँ पे है 3 मई, ठीक है। तो इसकी जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नीचे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो इसका आपने सबसे पहले 400 रुपये का पोस्टल आर्डर जो आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेगा, ठीक है, आपने पोस्ट ऑफिस विज़िट करना है, उनको कहना है कि हमें 400 रुपये का पोस्टल आर्डर बना दें कमांडेंट 301 पेयर डिपो EME रावलपिंडी ब्रांच के नाम पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो सीरियल नंबर 3 से लेकर 10 तक, ठीक है, यहाँ पे कुक यूनिट से लेकर 10 तक, इनकी कोई फीस नहीं है, ठीक है, ये विदाउट फीस विदाउट पोस्टल आर्डर अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट टाइप पे स्टोरमैन की 400 रुपये फीस है, आपने यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से बनवाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें साथ अटेस्टेड करनी है लगानी है, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेड कॉपीज, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आईडी कार्ड की कॉपी और तमाम डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपीज, आपने 2 फोटोज़ ये आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगा कर आपने इस एड्रेस पे सेंड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक ऐड हो गया। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट की, ये सेंट्रल ऑर्डिनेंस टिपू सरगोधा है, ठीक है, पाकिस्तान आर्मी का। इसमें सबसे पहले है LDC, ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें मेट्रो क्वालिफिकेशन हो, कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड हो, सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं। गेट कीपर है, मेट्रो क्वालिफिकेशन हो, आर्मी से रिटायर पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। KPK से फायर सुपरवाइजर है, सरगोधा के लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेट्रो क्वालिफिकेशन हो। नायब कासिद है, प्राइमरी पास क्वालिफिकेशन हो, सरगोधा के लोग अप्लाई कर सकते हैं। USM है और आप यहाँ पे हेल्दी पीपल्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं सरगोधा के। और इसके अलावा यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 3 मई है, तो इसके इन तमाम सीटों के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 30 साल तक है, ठीक है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इसकी कोई फ़ीस नहीं है, आपने सिंपली यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म सादा कागज़ पर लिखना है, उसके बाद यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स के अटैच और कॉपीज लगाकर आपने इस एड्रेस पे सेंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं गैरिजन कैडेट कॉलेज है कुहाट, इसमें ये जॉब्स हैं, हेड क्लर्क है, ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं।
उसके लिए यहाँ पे क्वार्टर मास्टर है आर्मी से रिटायर्ड पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे पीटी स्टाफ है आर्मी से रिटायर्ड पर्सन अप्लाई कर सकते हैं, क्लर्क है इंटर वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, अप्लाई करने का प्रोसेस आपको यहाँ पे इस चैन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है आर्मी म्यूजियम लाहौर है, और इसमें ये जॉब्स हैं रिसर्च एसोसिएट की, मेजर फीमेल दोनों कर सकते हैं। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, या BS डिग्री हो हिस्ट्री में या फिर इंग्लिश में, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आर्कियोलॉजी में भी हो तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इन 3 सब्जेक्ट में से किसी एक भी सब्जेक्ट में आपके पास BS या मास्टर डिग्री हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 25 से लेकर 35 साल तक एज लिमिट हो। तो यहाँ पे जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है वैसे है कि आपने अपनी CV और तमाम डॉक्यूमेंट्स के अटैचमेंट कॉपीज 3 फोटोज़ लगा कर आपने सेंड कर देना है यहाँ पे इस एड्रेस पे, ठीक है, डायरेक्टर आर्मी म्यूजियम लाहौर, ठीक है, अमजद चौधरी रोड लाहौर कंटोनमेंट, ठीक है, यहाँ पे आपने सेंड कर देना है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 28 अप्रैल है, ठीक है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।